हमने एक वीडियो बनाया है, गाने का नाम है मौला मेरे, और लिरिक्स लिखे हैं मैक्स पॉइंट ने, गाया है केवी ने, और मैंने डायरेक्ट किया है। तो अभी 13 तारीख को हमने गाना रिलीज़ किया है, और आप लोगों के प्यार की वजह से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है गाने को। 1 वीक के अंदर इस पे 10 लाख व्यूज़ आए हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे को टाइम दिया। तो अब गाने के बारे में हमारे लिरिसिस्ट बताएंगे कि आपको क्या उन्होंने अपने विचार रखे हैं गाना लिखते हुए। सही हेलो, माय सेल्फ आमिर और मेरा स्क्रीन नेम मैक्सवेल है। और ये जो गाने के वर्ड्स हैं वो इस तरह से इंस्पायर है कि हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ टफ एंड टाइम कुछ रहता ही है, तो एक थॉटफुल थॉट है। तो फिर मैंने लिरिक्स लिखे और पहले भी मैं लिख रहा हूँ, तो ऋषभ मेरा वेल नोन है और डायरेक्ट कर रहा है, पहले भी इंडस्ट्री म्यूजिक इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो उनको भी अच्छा लगा प्रोजेक्ट। फिर हमने उस पर मेहनत की, डिले भी बहुत हुए थे, पर यह कि बहुत अच्छा सपोर्ट फील हुआ, लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया और विद इन वीक मोर देन 10 लाख पीपल लोगों ने उसको देखा है। तो मैं थैंकफुल हूँ। मैं चीज का और कि कन्नू वर्मा है, केवी के नाम से इनकी प्रोफाइल है, पहले भी ये गाने कर रहे, बहुत से गाने कर चुके हैं इन्होंने। इन्होंने बड़ी मेहनत की है इस पर, और फिर इनकी क्या इंटरनल फीलिंग्स थी इसको लेके, वर्ड्स को लेके, कैसे गाया, कैसे प्रिपेयर किया, अब वो उसके बारे में ही आपको बताएंगे। हेलो, दिस साइड केवी। मैं ये इस लाइन में पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ। आपने मुझे पहले भी देखा होगा, कन्नू वर्मा के नाम से मैंने 2 प्रोजेक्ट पहले भी किए हैं। पहला केयरलेस था, जो 3 साल पहले ही पोस्ट किया था, और जो अभी कुछ टाइम पहले किया था वो अनस्पोकन लव था। फिर उसके बाद कुछ टाइम में कुछ ऐसी सिचुएशंस बनी कि सब कुछ रुक सा गया। फिर एक टाइम पे मुझे आमिर भैया मिले, मैक्स पॉइंट, तो इन्होंने कुछ दिखाया मुझे, जो आप मौला मेरे जो आपके सामने आज वो दिखाया मुझे कि ये लिरिक्स हैं, और कंपोजिशन इतनी प्यारी थी कि मैंने सुना, मैंने कहा कि ये हम करेंगे, ज़रूर करेंगे। तो बस उसके ऊपर काम किया, अच्छा बनाया। म्यूजिक प्रोडक्शन मिंटू चिम्मा और रोमी सरकार हमारे पुराने फ्रेंड्स भी हैं, बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया इसके ऊपर। तो जैसे जैसे वो बनता गया, वो एक एक जगह पे जब वो प्रॉपर तैयार हो चुका था, तो फिर हमने वो आमिर भैया के नॉन थे, ऋषभ भैया द प्रो गाए, इन्हें जब दिखाया तो इन्हें वो पसंद आई वो चीज़। इन्होंने कहा कि इसके ऊपर हमें और काम करना चाहिए, इसे इसका एक बहुत प्यारा विजन देना चाहिए, लोगों को दिखाना चाहिए कि ये कह क्या रहा है, एक लिरिक्स जो है, एक पोएट जो है वो क्या कहना चाह रहा है अपने वर्ड से। तो फिर आगे चले हम, इन्होंने मतलब इन्होंने पहले भी 10 साल से ये पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत वेल नोन सिंगर्स के साथ, वेल नोन प्रोड्यूसर्स के साथ काम कर चुके हैं, और फिर इन्होंने उसे डिज़ाइन किया, जो आप देख रहे हैं कि एक प्रोफेशनल वे में मौला मेरे रिलीज हुआ है, प्रोफेशनल वे में उसकी वीडियो, उसका कंसेप्ट, वो सब इनको जाता है श्रेय। इन्होंने थैंक वो एक बड़ा प्रॉपर तरीके से बनाया है, बहुत बहुत अच्छा, मतलब इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इन्होंने किया है। हम तो एक तरह से बच्चे ही हैं, मैं तो बच्चा ही हूँ, ये बड़े भाई हैं। तो थैंक यू टू ऑल की 1 हफ्ते के बीच में 10 लैक्स हिट्स गए हैं इसके ऊपर। तो बहुत, मतलब हमने ऐसा सोचा भी नहीं था, इतनी होप नहीं थी, पर फिर भी बहुत अच्छा गया, और अभी भी हम होप रखते हैं कि और ज़्यादा अच्छा जाए, और फिर अगर ऐसे ही हमें प्यार मिलता रहा, सत्कार मिलता रहा, तो हम और ऐसी चीज़ें आपके सामने पेश करेंगे। थैंक यू। भैया, आपने सिंगिंग क्यों चुना, ऐसा क्या कारण है? सिंगिंग, मैं पहले सिंगिंग नहीं, मैंने सिंगिंग कहीं से सिखाई नहीं है सर। मैंने जस्ट मैं पहले डांस कोरियोग्राफी करता था, मैंने डांस कोरियोग्राफी की है पहले। तो फिर ये गॉड गिफ्ट था, मेरे मेरे मामा जी हैं, उन्होंने कहा कि आप सिंगिंग करो, वो ज़्यादा बेस्ट है डांस से आज के टाइम में। तो फिर थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया, गाने लगे, तो लोगों ने अप्रिशिएट किया कि आपकी आवाज़ सुंदर है, आप आगे बढ़ो। तो फिर थोड़े टाइम बाद कुछ फ्रेंड्स मिले, कुछ लोग मिले, हमने प्रोजेक्ट बनाया, फिर आराम आराम से जैसे जैसे अप्रिशिएट करते गए लोग, तो फिर फील हुआ कि अच्छा है, और आज आप लोगों के प्यार को देख के लगता है कि मैं सही हूँ एक तरह से। पहला अच्छा, पहला गाना कौन सा गाया था? गाना केयरलेस किया था हमने, थोड़े बोल बता देंगे, गा उसकी बोलते के सुना देंगे, गा के सुना देंगे सर। जिन्नी कह रही यार वेली हाँ दी कर दावे,
उसका कंपोजिशन मैं भूल गया थोड़ा, लाइव नया वाला गाना सुना दो। नया वाला मैं ये नया वाला सुना दो, उसको टाइम बहुत हो गया ना। उसको टाइम बहुत हो गया तो हां जी। बेचैनगी सांसों की है बढ़ने लगी है, उम्मीद है जिंदा या मरने लगी है, हर जर्रा मेरा है मुझसे जुदा, मैं भटका हुआ हूँ तन्हा, मेरे मौला मुझे खुद से मिला दे, इन खताओं की और ना सजा दे, मायूसी मेरे दिल से मिटा दे, मैं भटका मेरी हीरा पे। और इसके अलावा आगे किसी प्रोजेक्ट पे अभी काम हो रहा है क्या? अभी हम एक हमारे पास कई प्रोजेक्ट हैं लाइनअप में हैं, और कुछ टाइम में आपके सामने लाएंगे हम नए नए प्रोजेक्ट्स। और भी गाने हैं और कर रहे हैं, बहुत कुछ लिख रहे हैं आमिर जी, तो जल्दी ही हम लेके आएंगे आपके पास सामने नए प्रोजेक्ट्स। जो है सभी लोगों को अपने चैनल का नाम बता दीजिए जहाँ पर ये गाना मिलेगा और आगे भी जो है आपका काम मिलेगा। हाँ जी, हमारे चैनल का नाम द नेक्स्ट लेवल प्रोडक्शन है, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। वैसे तो बहुत सपोर्ट दिया है आप लोगों ने, बहुत सपोर्ट दिया है, उसके लिए बहुत थैंकफुल हैं हम। और अगर आप लोग ऐसे ही सपोर्ट देते रहेंगे तो हम और इनकरेज होंगे कि और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लेके आए और इम्प्रूवमेंट के साथ। थैंक